अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी भाइयों को। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप लोग ठीक हैं? तो दोस्तों, एक नई अपडेट मतलब नई न्यूज़ है जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। वो है छुट्टी से रिलेटेड। मतलब जो मेरे भाई छुट्टी पे गए थे, और वो लोग बहुत से चैनलों पे मैंने देखा है, और बहुत से उस पर लोग कमेंट करते थे भाई, मतलब जो छुट्टी गए हैं कब आना होगा, कैसे आना होगा, या छुट्टी ख़त्म हो रही है, या अकामा मतलब वीज़ा वैलिडिटी ख़त्म हो रही है। तो उस हवाले से ख़बर है दोस्तों कि जो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। तो आप लोग परेशान ना होइए। जो यहाँ के बारे में गलत अफवाहें फैलती हैं तो उसको ध्यान ना दें, और इस चीज़ का मैं आपको बताऊँगा कि दोस्तों न्यूज़ बहुत ही बेहतर है। आप लोग वीडियो पूरा देखते रहिए और वीडियो को कट मत करिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को कुछ जानकारी मिल सके जिस बारे में मैं बताऊंगा, और आप लोगों को खुशी मिलेगी इस चीज़ सुनकर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सऊदी हुकूमत ने, यहाँ की सरकार ने वीज़ा वैलिडिटी दोस्तों अकामा जो ख़त्म हो रहा है तो 20 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आप जो है इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, मतलब गूगल के ज़रिए जाइए, अकामा वैलिडिटी वीज़ा चेक करने के लिए आप उस पर सर्च मारिए, बाकायदा आपका पासपोर्ट नंबर मांगेगा, वीज़ा नंबर मांगेगा दोस्तों, तो आप उसमें डालिए और वो चीज़ आप लोग चेक करिए। तो दोस्तों, सबका बढ़ चुका है, कुछ लोगों का हो सकता है ना बढ़ा हो, तो आप ज़रूर उसको चेक करते रहिए, इंशाल्लाह सबका बढ़ जाएगा। तो आप लोगों को बहुत बड़ी खुशी है जो मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताया है इसके यूट्यूबर ब्लॉग में। और दोस्तों, फ़्लाइट के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि एयर इंडिया जो है फ़्लाइट भी शुरू हो गई है 1 अगस्त से दोस्तों। इंडिगो है और सीवीजेट जो फ़्लाइट वंदे मातरम का मिशन है, 5वें चरण पर पहुंचा है दोस्तों। तो फ़्लाइट 1 अगस्त से शुरू होगी, तो यहाँ से तकरीबन 20-25 फ्लाइटें हैं जो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं न्यूज़ के थ्रू जो फ़्लाइट शुरू है। तो मेरा मकसद था दोस्तों उस चीज़ को बताना जो चीज़ आप लोग बहुत दिनों से दूसरे दूसरे चैनल पे मैं देखता था, आप लोग कमेंट करते थे भाई जो छुट्टी गए हैं। तो हो सकता है भाई, जब यहाँ की सरकार ने अभी आप लोगों के लिए वैलिडिटी बढ़ाया है जो वीज़ा की अकामा की, तो दोस्तों हो सकता है इसके बीच में 20 अगस्त के बीच में आना हो जाए, यहाँ की सरकार खोल दे वगैरह, मतलब दूसरी कंट्री से लोग अभी आना शुरू कर दें। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो बीमारी चली है वो बीमारी हर जहाँ फैली है, और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि सऊदी अरब में कोरोना का खात्मा हो रहा है, बहुत ही कम आ रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो ये खबर थी आप लोगों के लिए। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए, और एक एमडी हुसैन करके मेरे भाई हैं जो मेरे चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो वो लोग, वो भाई पूछे थे यार इंडिया से कब आना होगा। तो भाई मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे ही खुलेगा, हमारी सरकार भी अभी उधर से फ़्लाइट इंटरनेशनल नहीं भेज रही है, वंदे मातरम चरण है जो कि जो फंसे हुए हैं लोग उनको लेके जाया जा रहा है, और यहाँ की सरकार भी अभी इस हवाले से कुछ बताया नहीं है। तो जब दोस्तों यहाँ खुल जाएगा तो इंशाल्लाह सब कंट्री से फ़्लाइटें आना जाना शुरू हो जाएंगी, नॉर्मल आना जाना शुरू हो गई, तो भाई आप आ सकते हो। और जैसे ही ये सब खुलेगा तो दोस्तों यहाँ वीज़ा भी बहुत निकलेंगे, और क्योंकि बहुत लोग गए हैं वो हो सकता ना आ पाएँ कोई दिक्कत कोई परेशानी की वजह से, तो नया वीज़ा भी निकलेगा। तो दो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे भाई, जो आपने दूसरी वीडियो पर कमेंट किया था एमडी हुसैन करके हैं, जो मैं थंबनेल पे उनका कमेंट डालूँगा तो आप देख सकते हैं। तो आप ये भी जान लीजिए कि जो ये मैं आपको इस बारे में बताया हूँ कि सऊदी हुकूमत ने वीज़ा की वैलिडिटी, आगामा की वैलिडिटी, आप अगर थोड़ा पढ़े लिखे हैं मेरे भाई तो आप चेक कर सकते हैं गूगल के ज़रिए, आपका आगामा वैलिडिटी जो भी हो, मतलब पासपोर्ट नंबर मांगेगा, वीज़ा नंबर मांगेगा, तो आप उसमें डालिए
और तुरंत चेक करिए। और जिनका नहीं बढ़ा हो सकता है दोस्तों, अभी कुछ लोगों को 1-2 दिन मतलब टाइम लगे बढ़ने में, तो सबका बढ़ेगा, आप परेशान ना हो, सबका बढ़ेगा। और मेरे चैनल को दोस्तों ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, ताकि मैं और भी वीडियो बनाता रहूं। और फ़िलहाल अभी इस बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी है, जो कि मैं अभी वीडियो दोस्तों बीच में बंद किया था और अभी वीडियो डालना शुरू किया। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मैं आप लोगों को दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ, जो मेरे भाई मेरे चैनल पे हैं और सब्सक्राइब किए हैं और वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं। तो उन लोगों और जो मेरे नए भाई जुड़ेंगे, उन लोगों का भी शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो धन्यवाद दोस्तों, तो वीडियो यहीं तक था दोस्तों, आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद।